जी से कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें माननीय योगी आदित्यनाथ जी। नमः पार्वती पतये हर हर। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग आयुष मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री सर्वानंद सोनोवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअली हम सब के साथ जुड़े हुए असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री श्रीपाद यशो नायक जी, माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, वाराणसी के माननीय विधायक गण श्री नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और इस दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज के माध्यम से एक ऐतिहासिक यात्रा के लिए निकल रहे वे सभी अतिथि जो स्वीडन से बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं और 51 दिन की इस यात्रा में आगे चल रहे हैं, जिसे कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करने जा रहे हैं, उन सभी अतिथियों का आप सभी महानुभावों के साथ ही मैं सबसे पहले काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सब की ओर से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। विगत 8 वर्षों में बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा है। काशी ने एक नई यात्रा प्रारंभ की है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, दुनिया की भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी विगत 8 वर्ष में अपनी इस विरासत की धरोहर को संरक्षित रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरी है। आज काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो हमेशा इस बात को लेकर के एक तड़प रहती थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते हमारे यहां से किसी भी अपनी कृषि उत्पाद को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए या फिर
उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने में हमें महंगा पड़ेगा, इस दिश से यहां के उद्यमी, यहां के अन्नदाता किसान, यहां के व्यापारी जिस बात को लेकर के सदैव इस बात को लेकर के रहते थे कि हमें महंगा पड़ेगा, हम इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि एक नए पर्यटन की शुरुआत है। पिछले 3 दिनों से एमबी गंगा विलास से आए हुए यात्रियों ने काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। एक एक बात को लेकर के बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ जानने की एक उत्सुकता थी और काशी विश्वनाथ धाम का कल का कार्यक्रम जो इस सबसे बड़े रिवर क्रूज से जुड़े हुए यात्रियों के स्वागत सम्मान के लिए कल आयोजित किया गया था अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इस सबसे बड़े रिवर क्रूज को आगे बढ़ाने, इन नमामि गंगे परियोजना की सफलता की एक नई ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। विगत 5-6 वर्षों के अंदर मां गंगा ने जो कभी जिस गंगा के जल को स्नान की बजाय आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक भी आज से 8 वर्ष पहले लोगों के मन में आशंकाएं उठती थी, आज हम देख सकते हैं नमामि गंगे परियोजना ने सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए आगे बढ़ा है, आज उसी का परिणाम है कि एक और प्रयागराज में 2019 में प्रयागराज कुंभ की सफलता नमामि गंगे की सफलता के कारण एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया था। गंगा में जल की पवित्रता और गंगे डॉल्फिन की फिर से उपस्थिति, यह भी हम सबके सामने इस पवित्र नदी में एक बार देखने को मिलती है और गंगा के साथ अपनी आजीविका को जोड़ने वाले नाविकों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य अकेले वाराणसी में ही 1600 से अधिक नाविकों को, उनकी परंपरागत नावों को जो कभी डीजल से या मैन्युअली वे लोग चलाते थे, हाथ से चलाते थे, सीएनजी का किट उपलब्ध करा करके, इंजन सहित किट उपलब्ध करा करके आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक भी नाविक ऐसा नहीं कि जो पहले की तुलना में कई गुना एक ही सीजन में वह पूरे वर्ष भर की कमाई कर दे रहा है। और मैं देख रहा था, मैं कल से स्वयं भी देख रहा हूं, इससे पहले भी और देव दीपावली के अवसर पर भी मैं देखता रहा हूं, हजारों की संख्या में नाविक आकर के आज अपनी आजीविका नमामि गंगे परियोजना की सफलता के साथ अपने स्वावलंबन की एक नई कहानी को कह रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, काशी के सभी उद्यमियों, नाविकों और गंगा जी को अपनी आजीविका के साथ जोड़ करके अर्थ गंगा की इस नई परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज की जो शुरुआत है एक नए युग की शुरुआत है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के साथ ही काशी में पर्यटकों की संख्या
और श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। एक कई गुना वृद्धि इस बात को प्रदर्शित करता है कि अभी और भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और ये सबसे बड़ा रिवर क्रूज इस बात का उदाहरण है कि अभी से 2 वर्ष की एडवांस बुकिंग इस प्रकार के रिवर क्रूज के माध्यम से अभी से होती हुई दिखाई दी है। पर्यटन की नई संभावनाओं के साथ साथ यहां के परंपरागत उत्पाद और यहां के कृषि उत्पाद को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक नए माध्यम मिले हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा और उनके अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के अंदर 7 फ्लोटिंग जेटी का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के 5 नए फ्लोटिंग जेटी का भी लोकार्पण कुछ ही देर में होने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम और अन्नदाता किसानों के उत्पाद को वैश्विक मंच पर पहुंचाने और साथ ही साथ यहां पर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी एक माध्यम मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के इस ऐतिहासिक रविदास घाट पर जब ये कार्यक्रम आज कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े रिवर क्रूज को अपने कर कमलों से शुभारंभ करेंगे, मैं इस अवसर पर काशीवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। एक नए युग की शुरुआत आज फिर से काशी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के इस अभियान के अवसर पर एक बार फिर से हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरी यात्रा के प्रति उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।